घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। जी हाँ दोस्तों, आ गए हैं हम मंदिर। घर से निकलते ही हम सीधे मंदिर आए हैं। सुबह का टाइम है। यहाँ हम मंदिर में आए ही थे क्योंकि मैंने देखा कि जेठानी जी के लड़के भी यहाँ पे आए हुए हैं पूजा करने के लिए। तो साथ साथ हम दोनों लोगों ने मिलके पूजा संपन्न की और थोड़ी देर बैठ गए हैं मंदिर में। हम डेली ही मंदिर में 5 मिनट बैठते हैं। बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर में बैठने से। जल देने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। तो मैं क्या देखती हूँ कि ये तो बाइक से आए थे, तो ये निकल गए अपने रास्ते और मैं और देवरानी जी निकल गए हैं अपने रास्ते। हम जा ही रहे थे कि हमारे साथ साथ ये डॉगी भी चल रहा है और दूर से ही मुझे दिख रहा है कि पति देव भी कहीं निकल रहे हैं साइकिल लेके सुबह सुबह। 6:30 बज रहे हैं सुबह के। अब पति देव लग रहा है निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक पे। साइकिल लेके वो निकले, मैं घर आई, मैंने देखा राजा बेटा सोए थे, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं फटाक से किचन में गई थी। यहाँ पे देवरानी जी आलू छील रही थी क्योंकि उन्हें बनाना है आलू की भुजिया। मैंने भी जल्दी से चाय बैठाया और अदरक की महंगाई को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च और छोटी इलायची ही कूटा है और बैठ गई सुकून से पहले पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह का जगे हैं भाई साहब, बहुत तेज प्यास लगी है। तो यहाँ पे खाया है मैंने पेड़ा, कहते ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, काफी ज्यादा लोग ऐसा काम करते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। खैर कोई नहीं, पेड़ा खाती हूँ और यहाँ पे पानी पी रही हूँ पेड़ा खा के। लगे हाथ चाय भी पी ही लेती हूँ क्योंकि उसके बाद तो फिर किचन के काम में लगना है। वाह क्या चाय बनाती हूँ मैं, मजा ही आ गया। आइए कभी आप भी, आपको भी चाय पिलाते हैं। फिर देखा राजा बेटा अभी भी गहरी नींद में सोए हैं, तो बैठ गई हूँ मैं प्याज कट करने, क्योंकि मुझे बनाना है चना दो प्याजा। चना दो प्याजा की रेसिपी आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। प्याज काटते वक्त जो आंसू निकलते हैं ना, क्या ही बताया जाए। मैं तो सुबह सुबह ही पूरा रो दी हूँ, इतनी सारी आंसू निकल गए मेरे। प्याज ही नहीं काटना चाहिए। उसके बाद किचन में गई, पूरा खाना तैयार किया और तैयार है पति देव की स्पेशल थाली। दही दाल चना दो प्याजा सलाद चावल रोटी और उनका लंच बॉक्स भी। लेकिन लग रहा है लंच बॉक्स यहीं पे आज राजा बेटा खोल के ख़त्म कर देंगे। ये देखो इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरे दुपट्टे से ही अपना हाथ पोंछ रहे हैं। और बैठ गए हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद वो बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि राजा बेटा बाइक पे सवार है, उन्हें भी जाना है ऑफिस। यहाँ पति देव को हम लोगों ने बाय किया ऑफिस के जाने के बाद। और फिर आ गई हूँ मैं कमरे में। यहाँ स्टार्ट है राजा बेटा की थोड़ी सी मस्ती, इसको मैं इंजॉय करती हूँ जो कि पूरे टाइम चलती रहती है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।